जिसके लिए मुस्कराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने, दूर खड़े खड़े सोचा बिचारी करने से फायदा क्या, बहनों और भाइयों हमारे पास में आकर आम खरीद कर ले जाओ तो कोई बात बने। ऐसी लड़की थी हमारे पास में, आइए 100 रुपए का 4 किलो मीठा दशहरी आम ले जाइए। ऐसी लड़की थी आ जाओ भाई आ जाओ, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने वालों जल्दी आ जाओ, अरविंद भाई सरबन्ना वालों की प्रचार गाड़ी इधर खड़ी है। ऐसी लड़की थी। अरे माताजी आंटी जी भाई साहब कहाँ सोच रहे हो खड़े खड़े, पहले ये 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम तो देख ले, पसंद आए तो खरीद लेना वरना कोई बात नहीं। आ जाओ ताऊ जी आप भी देख ले, बहन जी आप भी देख ले, भाई साहब कहाँ सोच रहे हो खड़े खड़े, आप भी देख लो मीठा पका हुआ दशहरी आम। कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वही रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जैसे आप लोग खड़े खड़े सोच रहे हैं आगे बढ़कर आएंगे मीठा पका हुआ आम खरीद कर ले जाएंगे, वही मजा पाएंगे वरना खड़े खड़े ऐसे ही ललचाएंगे। हम आपके गांव गली मोहल्ले से चले जाएंगे, आप हमें ढूंढते रह जाएंगे। उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, फूल है गुलाब का इसे खराब ना करो, अरविंद भाई सरबन्ना वाले मीठा पका हुआ आम लाए हैं, इनसे उधार ना करो। जाने से भी ना मिटेगी क्योंकि आज नगद कल उधार, नगद वालो डिस्को उधार वालो किसको। मैं प्यार करता था पत्ती पे गली सबनम, पत्ती कभी नम नहीं होती, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने से दौलत कभी कम नहीं होती। इसीलिए अरविंद भाई सरबन्ना वालों की प्रचार गाड़ी के पास में आइए, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम ले जाइए। अरे अम्मा कहाँ सोच रही हो खड़ी खड़ी, पहले ये मीठे पके हुए आम तो देख ले, पसंद आए तो खरीद लेना वरना कोई बात नहीं। आ जाता हूँ देख ले बहुत ही मीठे आम है, पके हुए आम है, पके हुए आम। चंदा चकोर चांदनी बादल में लच्छे लच्छे, हमारे पास से मीठा पका हुआ आम खरीदते हैं बड़े ही अच्छे अच्छे। आ जाओ भाई आ जाओ, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने वालों जल्दी आ जाओ, अरविंद भाई सरबन्ना वालों की प्रचार गाड़ी इधर खड़ी है। भैया जी दूर खड़े खड़े शेरो शायरी गाना सुन रहे हो, आप ही से कह रहे हैं थोड़ा करीब आकर देख लो मीठे पके हुए आम, देखने का कोई पैसा थोड़े ले रहे हैं। ए बच्चों थोड़ा पीछे हट के खाओ मीठे पके हुए आम। भाई साहब जरा साइकिल साइड में करना प्लीज, भाई साहब हमारे पके हुए आम का स्वाद इन बच्चों से पूछ ले, ये बच्चे खा रहे हैं मीठे पके हुए आम। बहन जी दरवाजे पर वहीं खड़ी रहो, उसी गली में आ रहे हैं। क्या था कहीं? और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो किसी भी प्रकार का प्रचार तो संपर्क करेंगे अरविंद भाई ब्लेंसर वालों से। अरविंद भाई का नंबर नोट कर लीजिए दिलो दिमाग की डायरी पर, अरविंद भाई का नंबर है 79065176617। मुस्कराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने, दूर खड़े खड़े सोचा बिचारी करने से फायदा क्या, बहनों और भाइयों हमारे पास में आकर आम खरीद कर ले जाओ तो कोई बात बने। ऐसी लड़की थी हमारे पास में आइए, 100 रुपए का 4 किलो मीठा दशहरी आम ले जाइए। ऐसी लड़की थी।
आ जाओ भाई आ जाओ, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने वालों जल्दी आ जाओ। अरविंद भाई सरबन्ना वालों की प्रचार गाड़ी इधर खड़ी है। ऐसी लड़की थी। अरे माताजी आंटी जी भाई साहब, कहाँ सोच रहे हो खड़े खड़े, पहले ये 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम तो देख ले, पसंद आए तो खरीद लेना, वरना कोई बात नहीं। आ जाओ ताऊ जी आप भी देख ले हो, बहन जी आप भी देख ले हो, भाई साहब कहाँ सोच रहे हो खड़े खड़े, आप भी देख लो मीठा पका हुआ दशहरी आम। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वही रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जैसे आप लोग खड़े खड़े सोच रहे हैं आगे बढ़कर आएंगे मीठा पका हुआ आम खरीद कर ले जाएंगे, वही मजा पाएंगे, वरना खड़े खड़े ऐसे ही ललचाएंगे। कैसे दिखाऊं, हम आपके गांव गली मोहल्ले से चले जाएंगे, आप हमें ढूंढते रह जाएंगे। उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, फूल है गुलाब का इसे खराब ना करो। अरविंद भाई सरबन्ना वाले मीठा पका हुआ आम लाए हैं, इनसे उधार ना करो, जाने से भी ना मिटेगी। क्योंकि आज नगद कल उधार, नगद वालो डिस्को उधार वालो किसको। मैं प्यार करता था पत्ती पे गली सबनम, पत्ती कभी नम नहीं होती, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने से दौलत कभी कम नहीं होती। इसीलिए अरविंद भाई सरबन्ना वालों की प्रचार गाड़ी के पास में आइए, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम ले जाइए। अरे अम्मा कहाँ सोच रही हो खड़ी खड़ी, पहले ये मीठे पके हुए आम तो देख ले हो, पसंद आए तो खरीद लेना, वरना कोई बात नहीं। आ जाता हूँ देख ले हो, देख ले हो, बहुत ही मीठे आम है, पके हुए आम है, पके हुए आम। चंदा चकोर चांदनी, बादल में लच्छे लच्छे, हमारे पास से मीठा पका हुआ आम खरीदते हैं बड़े ही अच्छे अच्छे। आ जाओ भाई आ जाओ, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने वालों जल्दी आ जाओ। अरविंद भाई सरबन्ना वालों की प्रचार गाड़ी इधर खड़ी है। भैया जी दूर खड़े खड़े शेरो सारी गाना सुन रहे हो, आप ही से कह रहे हैं, थोड़ा करीब आकर देख लो मीठे पके हुए आम, देखने का कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं। ए बच्चों थोड़ा पीछे हट के खाओ मीठे पके हुए आम। भाई साहब जरा साइकिल साइड में करना प्लीज, भाई साहब हमारे पके हुए आम का स्वाद इन बच्चों से पूछ ले हो, ये बच्चे खा रहे हैं मीठे पके हुए आम। बहन जी दरवाजे पर वहीं खड़ी रहो, उसी गली में आ रहे हैं। क्या था कहीं, और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो, किसी भी प्रकार का प्रचार, तो संपर्क करेंगे अरविंद भाई ब्लेंसर वालों से। अरविंद भाई का नंबर नोट कर लीजिए दिलो दिमाग की डायरी पर। अरविंद भाई का नंबर है 79065176617। जिसके लिए मुस्कराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने, दूर खड़े खड़े सोचा बेचारी करने से फायदा क्या, बहनों और भाइयों हमारे पास में आकर आम खरीद कर ले जाओ तो कोई बात बने। ऐसी लड़की थी, हमारे पास में आइए, 100 रुपए का 4 किलो मीठा दशहरी आम ले जाइए। ऐसी लड़की, आ जाओ भाई आ जाओ, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने वालों जल्दी आ जाओ। अरविंद भाई सरबन्ना वालों की प्रचार गाड़ी इधर खड़ी है। ऐसी लड़की थी। अरे माताजी आंटी जी भाई साहब, कहाँ सोच रहे हो खड़े खड़े, पहले ये 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम तो देख ले, पसंद आए तो खरीद लेना, वरना कोई बात नहीं।
आ जाओ ताऊ जी आप भी देख ले हो, बहन जी आप भी देख ले हो, भाई साहब कहा सोच रहे हो खड़े खड़े, आप भी देख लो मीठा पका हुआ दशहरी आम। कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वही रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जैसे आप लोग खड़े खड़े सोच रहे हैं आगे बढ़कर आएंगे मीठा पका हुआ आम खरीद कर ले जाएंगे, वही मजा पाएंगे वरना खड़े खड़े ऐसे ही ललचाएंगे। हम आपके गांव गली मोहल्ले से चले जाएंगे, आप हमें ढूंढते रह जाएंगे। उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, फूल है गुलाब का इसे खराब ना करो। अरविंद भाई सरभन्ना वाले मीठा पका हुआ आम लाए हैं, इनसे उधार ना करो, क्योंकि आज नगद कल उधार, नगद वालो डिस्को उधार वालो किसको। पत्ती पे गली सबनम, पत्ती कभी नम नहीं होती, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने से दौलत कभी कम नहीं होती। इसीलिए अरविंद भाई सरभन्ना वालों की प्रचार गाड़ी के पास में आइए, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम ले जाइए। अरे अम्मा कहाँ सोच रही हो खड़ी खड़ी, पहले ये मीठे पके हुए आम तो देख ले हो, पसंद आए तो खरीद लेना वरना कोई बात नहीं। आ जाओ ताऊ देख ले हो, बहुत ही मीठे आम है, पके हुए आम है, पके हुए आम। चंदा चकोर चांदनी बादल में लच्छे लच्छे, हमारे पास से मीठा पका हुआ आम खरीदते हैं बड़े ही अच्छे अच्छे। आ जाओ भाई आ जाओ, 100 रुपए का 4 किलो मीठा पका हुआ आम खरीदने वालों जल्दी आ जाओ, अरविंद भाई सरभन्ना वालों की प्रचार गाड़ी इधर खड़ी है। भैया जी दूर खड़े खड़े शेरो सारी गाना सुन रहे हो, आप ही से कह रहे हैं थोड़ा करीब आकर देख लो मीठे पके हुए आम, देखने का कोई पैसा थोड़े ले रहे हैं। ए बच्चों थोड़ा पीछे हट के खाओ मीठे पके हुए आम। भाई साहब जरा साइकिल साइड में करना प्लीज, भाई साहब हमारे पके हुए आम का स्वाद इन बच्चों से पूछ ले हो, ये बच्चे खा रहे हैं मीठे पके हुए आम। बहन जी दरवाजे पर वहीं खड़ी रहो, उसी गली में आ रहे हैं। क्या था कहीं? और भैया किसी को प्रचार बढ़ाना हो, किसी भी प्रकार का प्रचार, तो संपर्क करेंगे अरविंद भाई ब्लेंसर वालों से। अरविंद भाई का नंबर नोट कर लीजिए दिलो दिमाग की डायरी पर, अरविंद भाई का नंबर है 79065717।